हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण बंसल एज टेक में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम देखने वाले हैं रैम सेक्शन के बारे में। रैम सेक्शन जो कि नोट डिस्प्ले के केस में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उस सेक्शन के बारे में आज हम देखने वाले हैं जो कि हमारी रैम से रिलेटेड है। रैम से रिलेटेड है तो उसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, इसमें हम पूरा IC देखने वाले हैं। IC की टोटल स्पिन्स के बारे में देखने वाले हैं, कौन सी IC किस तरीके से बिहेवियर करती है, कौन सी पिंस पे, कौन सी वाली पिन पे कितने वोल्टेजेस आते हैं, ये सारा कुछ आज हम देखने वाले हैं। तो और इसमें ये भी देखने वाले हैं कि हम रैम स्लॉट पे, जो हमारा रैम स्लॉट होता है बोर्ड में, उसमें हम कौन कौन से वोल्टेज चेक करते हैं और कौन कौन से वोल्टेजेस चेक नहीं करते हैं, किस पिन पे कितने वोल्टेज आते हैं, ये सारा कुछ हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं अपने स्कीमेटिक पर। जाने से पहले आपको कुछ बताता हूँ। मान लो कोई भी एक IC है, कोई मान लो रैम IC है अपनी एक, तो रैम IC है तो इसके लिए दो MOSFET होंगे, एक जो मेन MOSFET मान लिया मैंने, एक सपोर्टिंग MOSFET मान लिया। इस पर कुछ सबसे पहले तो कुछ सप्लाई की, इस पर मान लो 5 वोल्ट की सप्लाई इस पर आ गई। जब 5 वोल्ट की सप्लाई इस पर आ रही है और यहाँ से मान लो ये इससे कनेक्ट हो गया, कॉइल लग के कुछ फिल्ट्रेशन में कैपेसिटर्स लग गए 4 के आसपास, 4 आउटपुट निकल रहा है मेरा। ये MOSFET आपस में जुड़े होंगे, ये MOSFET ग्राउंड होगा, इस पर 19 वोल्ट की सप्लाई आ रही होगी। आपका वो सर्च बिल्कुल ठीक है। और इसी वाले उसका गेट इससे भी जुड़ा होगा, IC से वाला गेट भी IC से जुड़ा होगा, और यहाँ से एक कैप लग के आगे एक रजिस्टर लग के डायरेक्ट IC से जुड़ा हुआ। तो ये हमारी हो जाती है बूस्ट पिन। ये सारा कुछ मैं आपको 3-5 रेगुलेटर और चार्जिंग रेगुलेटर PWM स्विचिंग में बहुत बेहतरीन तरीके से सारा कुछ बता चुका हूँ। तो इसमें ना कुछ यूनिक चीज़ होती है, इसमें दो वोल्टेज आते हैं, एक S3 एक S5 के नाम का आता है। तो S5 जब आता है ना, वो आधी IC को इनेबल कराता है और बची हुई पिंस को S3 इनेबल कराता है। अब ये कैसे होता है, मतलब कि ये कैसे वर्क करते हैं कि आधी IC को, मतलब हाफ कुछ पिंस को S5 इनेबल करा रहा है और कुछ पिन के लिए इनेबल S3 स्टेट में, तो ये क्या चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें समझने के लिए सबसे पहले हम अपनी स्कीमेटिक पर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ स्कीमेटिक पर चलकर कि अपनी जो पिंस हैं IC की, वो कौन सी पिन किस तरीके से बिहेवियर करती है, इनके अपन बिहेवियर के बारे में देखते हैं, और किस तरीके से ये अपने अंदर से वोल्टेज जनरेटेड करती हैं, और कौन सी पिन पे किस तरीके से कितने वोल्टेज आते हैं, ये सारा कुछ हम देखते हैं। चलिए हम इसके लिए हम अपने कुछ एक मैंने IC ले रखी है, जो कि एक मेरे पास TPS की 51716 है, कौन सी है 51। हाँ, 51716 है TPS की, जो कि एक फेमस IC है, जो कि काफ़ी सारे वोल्ट्स में लगी रहती है। एक मल्टीपल IC है, तो एक अपन देखते हैं कि एक किस तरीके से बिहेवियर करती है IC, किस तरीके से फंक्शन करती है। तो देखना, ये मेरे पास IC है, ये मेरे पास मेन MOSFET है, और ये मेरे पास नीचे सपोर्टिंग MOSFET है, ठीक है। तो जो जी IC है ना, 51716, ये मेन MOSFET, ये सपोर्टिंग MOSFET। तो आपको ये देखना है कि सबसे पहले, चलो IC तो मुझे दिख गई, अब इसमें सबसे पहले कौन सा वोल्टेज आया, तो आपको दिख रहा है V5 है। तो जी मेरे पास इसके लिए पहला वोल्टेज है, तो नंबर एक पे कौन सा वोल्टेज आएगा, पहला वोल्टेज। कितने वोल्टेज आएंगे, 5 वोल्ट, ठीक है। कितने वोल्टेज आ गए, 5 वोल्ट। नंबर टू दूसरे पे, अब जब जी आ जाएगा तो क्या आएगा, अब जिसके बाद में अब इनेबल चाहिए, तो S5 इनेबल आएगा दूसरे नंबर पे। तो जो S5 इनेबल है कहाँ से आएगा, तो अपनी IO चिप से आता है। कहाँ से आता है, IO से या फिर PCS से आता है। अगर आगे बताऊंगा, अगर अभी आप समझ लो, आगे बताऊंगा, अगर PCS से आ रहा है, अगर विस्ट्रॉन आर्किटेक्चर का बोर्ड है, अगर इसका स्कीमेटिक विस्ट्रॉन ने डिज़ाइन किया है, तो ये सिग्नल कहाँ से आएगा, PCS से। क्योंकि जब विस्ट्रॉन डिज़ाइन करता है, तो विस्ट्रॉन का फंडा ये है, विस्ट्रॉन कहता है कि मैं PMSLP S3 S4 निकालूंगा, लेकिन मैं IO को न देते हुए डायरेक्ट बोर्ड में सप्लाई पास कराऊंगा। जबकि कॉम्पेल, क्वांटा और जो भी आज
वेंडर हैं वो सब कहते हैं कि सबसे पहले ये PMSLP S3 और S4 के सिग्नल में IO को दूंगा, फिर IO उन्हें सस ऑन और सस पी के नाम से निकाल कर पूरे बोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये वेस्टर्न कहता है कि अगर आयो ही निकाल रहा है, आयो वो जाएंगी वो आयो निकाले, तो क्यों ना मैं खुद ही पूरे बोर्ड में वो कर दूँ, पूरे बोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ। तो जो विस्ट्रॉन का होता है ना, तो क्या होता है अगर किसी कंडीशन में कुछ फॉल्ट हुआ तो डायरेक्ट सप्लाई PCH पर जाएगी विस्ट्रॉन के बोर्ड में, तो PCH के फॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, जबकि क्वांटा और कॉम्पेल में क्या होगा आयो पर जाएगी। तो आयो PCH को फॉल्ट ना करते हुए क्या हुआ खुद शॉर्ट हो जाएगा, खुद फॉल्टी हो जाएगा, जिससे हमारा PCS सेव रहेगा। तो ये छोटे छोटे काफ़ी सारे डिफरेंस है जो कि मैं आपको धीरे धीरे ऐसे ही बताता रहूँगा। तो आइए अपन आगे चलते हैं। तो S5 की सप्लाई कहाँ से आएगी, या तो IO से आएगी या PCS से आएगी, ठीक है। जब S5 की सप्लाई दूसरे नंबर पर आ गई, तब जब ना मोड की पिन देख रहे हैं, मोड नंबर 3 पर लेता हूँ, नंबर 3 मोड पे पिन पे, तो मोड पे हमेशा याद रखना 15 से 20 मिली वोल्ट आते हैं। क्या आते हैं? 15 से 20 मिली वोल्ट मोड की पिन पे। तो 15 से 20 मिली वोल्ट आ गए। मैंने आपको 3 पिन बताए, नंबर 1 पर क्या है 5 वोल्ट, नंबर 2 पर S5 की सप्लाई है, नंबर 3 पर मोड पर कितने 15 से 20 मिली वोल्ट। नंबर 4 वी रेफरेंस निकलेगा, इसके बाद में क्या निकलेगा वी रेफरेंस पर फिक्स वोल्टेज है 1.8 वोल्ट फिक्स है जी। वी रेफरेंस पर हमेशा 1.8 वोल्ट मिलेंगे, फिक्स है ये, बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना, बिल्कुल जी फिक्स है। तो वो चीज़ यहाँ पे फिक्स है, 1.8 वोल्ट वी रेफरेंस पे मिलते हैं। 1, 2, 3, 4 पिन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आती 5 पिन ट्रिप। ट्रिप पे तो आप समझ गए जैसा रजिस्टर होगा, जैसे कि मैं 3 वोल्ट 5 वोल्ट की ICM पढ़ा चुका हूँ, ट्रिप और ये सब चीज़ें। तो अगर आपको ट्रिप के पिन समझने में अभी प्रॉब्लम आ रही कैलकुलेट करने में, तो आप वो 3 वोल्ट 5 वोल्ट स्टेप डाउन रेगुलेटरी वीडियो देख लीजिए, पब मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कराएगी ट्रिप वगैरह, इंट्रिप वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं, ILIM के पिन वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारा कुछ तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपको भी डायरेक्ट यहाँ पर बता देता हूँ यहाँ पर कितने वोल्ट आएंगे, 1.33 वोल्ट आएंगे। अब ये कैसे आएगा आपको वहाँ से पता चल जाएगा, क्योंकि इसके लिए अलग कहानी है, सब मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको ट्रिप की पिन पर कैसे आएंगे 1.33 वोल्ट कैसे आएंगे आपको पता ही चल गया, देख लेना आप, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 पिन हो गए अपनी ट्रिप की पिन भी हो गई। तो अब मोड के बाद में मैंने ट्रिप बता दिया, अब आएगा वी रेफरेंस पे, मैंने आपको बता दिया 1.8 वोल्ट फिक्स है, ठीक है। अब जब वी रेफरेंस आ जाएगा तो वी आएगा, फिर आएगा अपना जी वाला। एक तो देखना वी रेफरेंस है, हाँ। अब यहाँ पे अपन पिंस देखते हैं, तो देखना एक जी वाला मैं पहलू, तो एक जी वाला पार्टीशन तो मैं अलग कर लेता हूँ, क्योंकि ये स्विचिंग का पार्टीशन है पूरा, बूस्ट पिन, ड्राइवर हाई, ड्राइवर लोअर स्विचिंग और पावर ग्राउंड, ये सब मेरा स्विचिंग का कॉन्सेप्ट है, इसे अपन अलग रखते हैं अभी, ठीक है। अब आएगा 4, 5 पिन के बाद में, 5, 6 नंबर की पिन पर ये वाले वोल्ट आएंगे वी रेफरेंस इन। तो वी रेफरेंस इन पर जो वोल्टेज आएंगे ना, वो जितनी DDR की रैम है, मान लो 3L लगी है इस बोर्ड में, तो 3L पे कितने वोल्ट है 1.35 वोल्ट। तो जितना VDD से अपन VDDQ के नाम से जानते हैं, VDDQ ये करेगा VDDQ पर डिपेंड, वी रेफरेंस इनकी वोल्टेज VDDQ पर डिपेंड करेंगी। तो यहाँ पे कितना आएंगे 1.35 वोल्ट। फिर क्या होगा, जैसे ही रेफरेंस इन बन जाएगा वैसे ही हमारी स्विचिंग स्टार्ट हो जाएगी और हमारे यहाँ पे वोल्टेजेस मिलने लगेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1.35 आउटपुट में वोल्टेज निकल जाएंगे और सारी स्विचिंग फ्रिक्वेंसी अपनी होने लगेगी। स्विचिंग कैसे होगी मैं आपको PWM के वीडियो में सारा कुछ बता ही चुका हूँ, ठीक है। PWM के एक बार वीडियो देख लीजिए तो आपको स्विचिंग फ्रिक्वेंसी सारी पता चल जाएगी कैसे होती है स्विचिंग फ्रिक्वेंसी, ठीक है। फिर अपना इसके बाद में क्या हुआ अपने पास, अब VDDQ हुआ। अब देखना मैं कहाँ तक पहुँच गया, अपन VDDQ का मैंने नाम ले लिया, ठीक है। VDDQ है ना, जब अब आपको यहाँ पर देखोगे पिंस में VDD SNS दिख रहा है और VTT के भी छोड़ो, ठीक है। अब देखना क्या होता है, जब S5 इनेबल मिल जाएगा ये सब वोल्टेजेस ओके जाएंगे, ये सारे वोल्टेज, तो आपको 1.35 वोल्ट मिल जाएगा। जब 1.35 वोल्ट मिल जाएगा ना, तो VDDQ SNS है ना, यहाँ पे ही 1.35 वोल्ट मिलता है, क्योंकि VDDQ सेंसिंग पिन होती है VDDQ की, मतलब जहाँ पे 1.35 है तो यही वोल्टेज यहाँ से है ना, तो सेंस करके अंदर से ये पिन पर
एक कनेक्ट रहती हो, यहाँ पे ही 1.35 वोल्ट मिलना चाहिए। अब होता क्या है, हम इतना तो चेक कर लेते हैं आईसी में कि इतने वोल्टेज मिलना चाहिए, लेकिन इसके बाद की मेन सप्लाई रहती है वीटीटी। और जो वीटीटी सप्लाई रहती है ना, वीटीटी सप्लाई रहती है जी हमेशा जी हाफ ऑफ वीटीडी क्यू रहती है, वीटीडी क्यू बाई टू, हाफ ऑफ वीटीडी क्यू रहती है हमेशा वीटीटी सप्लाई। तो जो वीटीटी सप्लाई है वो कम मिलती है बोर्ड में, समझना। तो जो वीटीटी सप्लाई है वो कम मिलती है। एस थ्री स्टेट है ना, एस थ्री स्टेट पर वोल्टेज आएंगे। अब एस थ्री पर कहाँ जाएंगे, आयो पी सी एस से जाएंगे। जब एस थ्री पर वोल्टेज आएंगे, एस थ्री पिन पर कितने वोल्टेज आएंगे आपको, मैं कहूँगा 3.3 वोल्ट आएंगे, ठीक है। जब जे वाले वोल्टेज एस थ्री में आएंगे ना, तब जे वी टी टी की को इनेबल कराता है। तो यहाँ पहले आएगा वी एल डी ओ इन, यहाँ पर भी कितने आएंगे 1.35 वोल्ट। फिर आएगा एस थ्री, एस थ्री पर कितने आएंगे 3.3 वोल्ट, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर वोल्टेज आएंगे तो ये क्या करेगा, वी टी टी को इनेबल कराएगा। तो वी टी टी पर कितने वोल्टेज आएंगे, 1.35 है तो 135 है, मान लो 1.35 वोल्ट। अगर मैं दो से काम डिवाइड दूँ तो टू, अगर मैं डिवाइड बाई टू करूँ इसे 135, अगर मैं यहाँ से मान लेता हूँ तो यहाँ से अगर मैं डिवाइड बाई टू करूँगा दो सिंह बार बस ये 0.67, 0.68 के आसपास वोल्टेज आएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 0.68 वोल्ट, ठीक है। जो वी टी टी सेंस पे भी कितना आएगा, 0.68 वोल्ट, क्योंकि ये आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। और फिर वी टी टी रेफरेंस पे भी 0.68 वोल्ट, और ग्राउंड तो ग्राउंड रहेगा, वी टी टी ग्राउंड ग्राउंड ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी पिन्स के बारे में सब कुछ बता दिया कि कौन सी पिन पर कितने वोल्टेज आएंगे। थोड़ा सा धीरे धीरे अपन, मतलब मैं थोड़ा फास्ट बोल गया हूँ, लेकिन फिर भी आपको मैंने काफ़ी सारा इस वीडियो में बता दिया है। और मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ बता दी है कि आपको कौन सी पिन पर कितने वोल्टेजेस मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कैसे चेक करना होता, होता क्या है यहाँ पे, ये समझना। होता यह कि अगर मान लो एस फाइव पिन पर वोल्टेज आ गए, एस फाइव पिन पर अपन क्या करते हैं, अपन करते हैं कॉइल पर चेक, अपन क्या करते हैं, अपन करते हैं कॉइल, एक सेकेंड बताता हूँ। हाँ, होता क्या, अपन करते हैं कॉइल वोल्टेज चेक। तो कॉइल वोल्टेज जब अपन चेक करते हो तो आप बताओ 1.35 वोल्ट मिल जाता है, जो अपन समझते हैं वोल्ट, रैम वोल्टेज, ओके। लेकिन जब अपन रैम आईसी पर जाते हैं, मैंने आपको क्या बताया, जब एस फाइव की वोल्टेजेस मिल जाएगी तो आपको 1.35 वोल्ट मिल जाएगा। लेकिन जब एस थ्री की वोल्टेज वी टी टी अपन सब चेक नहीं करेंगे, जब वी टी टी नहीं मिल रहा था तो हमारी डिस्प्ले क्या कहाँ से आएगी, नहीं आएगी। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे एक पॉइंट तो जो बनता है, एस थ्री चेक करना अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी है, एस थ्री वी टी टी की स्टेट चेक करना कंपलसरी है। वी टी टी बोले तो वी टी टी क्यू वाई टू, जितने भी वी टी टी क्यू वाई टू, जो हमारी रैम आई सी है, तो वहाँ पर अपन रैम स्लॉट पर भी जाते हैं। तो हमारे रैम स्लॉट होते हैं ना, तुम्हारा रैम स्लॉट होता है, तो वहाँ पर अपन जाते हैं तो क्या होता है, तो रैम स्लॉट में कुछ पिन्स होती हैं, रैम स्लॉट में बहुत सारी पिन्स होती हैं, 204 पिन होती हैं। जैसे रेडियर थ्री एल में, रेडियर थ्री एल में कितनी होती हैं, 204 होती हैं पिन्स। तो जो 204 पिन्स होती हैं, एक सेकेंड रुकना, हाँ तो वहाँ पे कुछ हमें सप्लाइयाँ चेक करनी होती है। तो वो रैम जहाँ पर, जो रैम स्लॉट पे कुछ पिंस होती हैं, 204 पिंस होती हैं, तो वहाँ पे अपन को कुछ सप्लाई चेक करनी होती है। वो कौन कौन सी सप्लाई होती है समझना, चेक ना। पिन नंबर सबसे पहले आता है वी टी टी सप्लाई, कौन सी आती है, वी टी टी सप्लाई, जो कितनी होती है 1.5 वोल्ट के आसपास होती है, या 1.35 के वोल्ट। अगर 3 है तो नॉर्मल, 3L है तो ये कितने वोल्ट होंगे। ये हमारी पिन नंबर 75 पर चेक की जाती है, ठीक है। वीडीडी के पास में आती है वीडीडी रेफरेंस डीक्यू। तो यहाँ पे कितने होते हैं वीडीडी रेफरेंस, समझना, वीडीडी रेफरेंस, रेफरेंस की 0.75 वोल्ट या 0.68 वोल्ट, ये कितने पिन नंबर पर चेक की जाती है, पिन नंबर 1 पे। अब आते हैं वी रेफरेंस सी क्यू के नाम की भी आती है, ये डी क्यू हो गया, एक होता है सॉरी सी ए के नाम की भी आती है, इस पर भी 0.75 वोल्ट या 0.68 वोल्ट। इसकी कौन सी पिन होती है, तो इसकी पिन नंबर 126 होती है।
इसके बाद में आता है VTT रेफरेंस, VTT वोल्टेज, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ VTT। अगर VTT वोल्टेज ना मिले तो वहीं से कहाँ पर जाएंगे, S3 वोल्टेज चेक करेंगे सबसे पहले। ये कौन सी पिन होती है, 203 और 204 नंबर की पिन होती है। यहाँ पे भी कितने वोल्टेज, 0.715 या 0.68 वोल्ट, ठीक है। अब VTD रेफरेंस भी हो गया। फिर होता है VDD SPD की पिन। SPD से स्पीड का मतलब मत समझना, स्पीड का मतलब समझ। यहाँ पर आता है 3.3 वोल्ट। VDD SPD की पिन होती है ना, वो होती है 199 नंबर की पिन, ठीक है ठीक है। अब आता है HDSCL, जो कि बहुत कॉमन और बहुत अच्छा, 3521 में वो काफ़ी सारे फॉल्ट आते हैं, 2 बीप देता है HDSCL का साला। ये पिन होती है 202, 200 और 202। यहाँ पे भी कितने वोल्ट, 3.3। फिर आता है DRAM रीसेट, पिन नंबर 30, वोल्टेज 3.3। तो ये कुछ मैंने वोल्टेजेस आपको बताए, और इतने से ये रैम स्लॉट के काफ़ी वोल्टेजेस हैं। इन्हें भी चेक करते हैं जब अपनी रैम से रैम डिस्टर्ब होती है, रैम से सप्लाइयाँ नहीं बनती हैं तब, ठीक है। VDD, V रेफरेंस, D की, C की है, और VTT, SPD, HDSCL, DRAM रीसेट, तो यहाँ से ये भी चेक होते हैं, ठीक है, रैम स्लॉट पे इतनी पर जो। अब काफ़ी बार मैंने ये देखा है कि अगर जब एक वोल्टेज नहीं बनता DRAM रीसेट का, तो DRAM रीसेट का वोल्टेज नहीं बनता 3.3 वोल्ट। और ये डायरेक्ट DRAM रीसेट, मान लो ये रैम है, ये रैम का स्लॉट है मेरे पास, ये मेरे पास रैम स्लॉट है, ये मान लो उसकी पिन नंबर 30 है, ये डायरेक्ट CPU है, यहाँ पर DRAM रीसेट CPU से निकल रहा है, बीच में कोई प्रोटेक्शन सर्किट नहीं है, डायरेक्ट CPU से जुड़ा हुआ है। या दो तरीके से निकलता है DRAM रीसेट, या तो बीच में प्रोटेक्शन सर्किट होगा, या बीच में कोई प्रोटेक्शन सर्किट नहीं होगा। तो मान लो बीच में कोई प्रोटेक्शन सर्किट नहीं है, DRAM रीसेट डायरेक्ट निकल के तो कहाँ जा रहा है, रैम स्लॉट पर जा रहा है। अगर अब DRAM रीसेट पर 3.3 वोल्ट नहीं आ रहा है, 0 वोल्ट आ रहा है, तो काफ़ी सारे इंजीनियर्स क्या करते हैं, 80% है वो बदल देता हूँ मैं, तो जो 80% इंजीनियर्स होते हैं वो क्या मानते हैं, CPU फॉल्टी, रीसेट नहीं निकल रहा, पहले तो पता है। हाँ, तो जो 80% इंजीनियर्स हैं वो क्या समझते हैं कि CPU फॉल्टी है। पहले तो काफ़ी सारे इंजीनियर्स को ये पता नहीं रहता कि DRAM रीसेट भी कोई सिग्नल से चेक करना है, चलो मान लो पता भी है, सबको पता है मैं ये मानता हूँ। तो 80% इंजीनियर्स क्या करते हैं कि CPU को फॉल्टी मान लेते हैं, कि CPU सिग्नल रीसेट, सिग्नल जनरेट नहीं कर रहा है, स्कीमेटिक देखते हैं CPU से आ रहा है और CPU सिग्नल जनरेट नहीं कर रहा है, तो अपन क्या करें, मतलब CPU को फॉल्टी मान, CPU इनबिल्ट है, CPU बोर्ड में क्या है, इनबिल्ट है। तो अब जिस CPU कब ये वाला सिग्नल जनरेट करता है, ये काफ़ी कम लोगों को पता। तो ये CPU कब ये वाला सिग्नल जनरेट करता है, तो इसके लिए तो CPU की पूरी कहानी पढ़नी पड़ेगी भाई। तो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि CPU कब DRAM रीसेट का सिग्नल जनरेट करता है, कौन कौन से सिग्नल चाहिए होते हैं, PCH और CPU का कम्युनिकेशन कैसे चलता है, और किन सिग्नल से चलता है, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो किसी ने शायद मेरे से पूछा था कि सर अगर PLD रीसेट भी आता है तो फिर भी हमारी डिस्प्ले नहीं आती, तो उसके लिए क्या कारण होता है, तो उसके लिए भी कुछ महत्वपूर्ण कारण होते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। स्पेशल क्लास रहेगी जो मेरे की, जो कि मैं स्पेशल क्लास में लूँगा अपनी, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपन आगे समझेंगे कि किस तरीके से CPU वर्क करते हैं, किस तरीके से इस पर कौन कौन सा सिग्नल चाहिए, जब से DRAM रीसेट का सिग्नल निकलता है, फिर PLT रीसेट कैसे निकलता है, PLT रीसेट कैसे बफरेट होके, कैसे बफर के थ्रू CPU रीसेट में कन्वर्ट होता है, CPU रीसेट कन्वर्ट होने के बाद जी डायरेक्ट CPU में जाता है, फिर CPU SBID सेटिंग लेता है, SBID सेटिंग्स के बाद में DMI कम्युनिकेशन होगा, DMI कम्युनिकेशन के बाद में जब रैम स्लॉट पर ये वाले वोल्टेजेस जाएंगे, और जब CPU और PCH का कम्युनिकेशन होगा, तब जाके हमारी डिस्प्ले कहीं ना कहीं बोर्ड में आ जाता है, और बोर्ड में अगर डिस्प्ले आने के बाद में फिर LVDS कनेक्टर पर कैसे सिग्नल्स पहुँचते हैं, क्यों जाते हैं, कैसे सारा कुछ, सब टेस्टिंग वगैरह धीरे धीरे हम सारा कुछ देखने वाले हैं, लेकिन काफ़ी वीडियोस काफ़ी सारी लंबी हो जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं बताने के लिए, तो मैं काफ़ी कम चीज़ें, फिर भी मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करता हूँ जितना हो सकता है। तो चलिए हम आज की वीडियो अपनी इतनी रखते हैं, और फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में,
और हाँ एक अनाउंसमेंट करता हूँ, ये वाली वीडियो मेरी थोड़े टाइम में आई है, तो क्या हुआ कि मेरे घर में थोड़ी सी वेडिंग थी तो मैं उसमें बिजी था, तो मैं इसलिए क्या करूँ थोड़ा सा, और वैसे भी मुझे टाइम की थोड़ी कमी आपको ही पता है, तो इसलिए वीडियो थोड़ी काफ़ी टाइम बाद आई है, लेकिन आगे से मैं कोशिश करूँगा कि यार 2 या 3 दिन में आपको एक वीडियो दूँ, तो या फिर जो भी है कोशिश करता हूँ मैं, जैसा भी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस माई वीडियो, और आप सभी का बहुत सारा प्यार मिल रहा है, बहुत सारा अच्छे अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं, और बहुत ही अच्छा आप सब देखते हो मुझे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपके लिए मेहनत करता हूँ मैं इतनी सारी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें मेरा चैनल को, और आगे आपको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, इसके लिए धन्यवाद।